हाय, दिस इज जिग्ना फ्रॉम टूटू केक्स। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक लाइव बैरल केक बना रहे हैं। तो ये जो लाइव बैरल केक है, इसकी हमने प्रॉपर आपको मैकेनिज्म सिखाई है, उसे कैसे बनाना है। अंदर आप कोई भी जूस या लिक्विड फिल कर सकते हो अपने चॉइस का। थोड़ा सा टेक्निकल केक है, बट ये एकदम डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले मैंने 3 स्पॉन्ज बेक कर लिए हैं। मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर में किए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। ये 250 ग्राम्स, मतलब टोटल 750 ग्राम्स ऑफ स्पॉन्ज है। अब इसमें से मैं लेयरिंग करूँगी। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक स्पॉन्ज में से 3 लेयर कट करके एक केक बनाते हैं, बट ये केक में हम स्टैकिंग करने वाले हैं। अंदर हमें बैरल के लिए बॉटल इंसर्ट करना है, तो मैं हर स्पॉन्ज में से सिर्फ 2 लेयर कट करूँगी। इस तरीके से मैं इन दोनों स्पॉन्ज को भी कट कर लूंगी। सो अब हमारे पास इस तरीके से 6 लेयर्स स्पॉन्ज के रेडी है। इसे हम स्टैक करके केक बनाएंगे। बैरल का शेप जो होता है वो थोड़ा सा साइड में सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल करने के लिए या तो आप डायरेक्टली स्पॉन्ज को कट कर सकते हो। अगर आपको स्पॉन्ज को कट करने नहीं जमता है तो आप सेंटर पोर्शन में क्रीम का हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कर सकते हो। नाउ ये हमारे केक का हाइट होगा। अब इस हाइट के हिसाब से हमें अंदर की बॉटल को रेडी करना है। अब हम ये बैरल केक लिक्विड फिल करके बनाने वाले हैं। तो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में आप जूस या कोई भी ड्रिंक आप अपने चॉइस के हिसाब से आप फिल कर सकते हो, अपने पर्सन के हिसाब से। तो अब ये फिल करने के लिए हमें इस तरीके का एक प्लास्टिक कंटेनर चाहिए जो फूड सेफ होगा। उसके बाद भी मैंने उसके ऊपर क्लिंग रैप लगा ली है ताकि इसके ऊपर ये प्रॉपर फूड सेफ्टी मेजर्स में आ जाए। इस तरीके का आप कंटेनर लेना है आपको। फिर इस तरीके का टैप मिलते हैं मार्केट में। आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर के पास जाओगे, वहाँ पर इस तरीके के प्लास्टिक टैप मिलेंगे, नॉमिनल रेट पे मिल जाते हैं। इन टैप को इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है। सिर्फ आपको एक सर्कल में कट करना है और इस टैप को आपको राउंड लेके फिट कर देना होता है। अंदर के साइड इसमें पैकिंग होती है, बाहर भी पैकिंग होती है, आपको सिर्फ इसे फिट कर लेना होता है। फिट करने के बाद आप एक बार इसमें लिक्विड टेस्ट कीजिएगा। अंदर आप पानी फिल कीजिए। पानी अगर कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है, मतलब आपकी टैप की फिटिंग प्रॉपर हो गई है। अगर पानी लीक हो रहा है, मतलब आपने टैप की फिटिंग बराबर नहीं की है, आपको फिटिंग प्रॉपरली वापस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही चीप वेरिएशन बन जाता है इस तरीके के, आपको जब भी कोई लिक्विड फिलिंग वाली केक बनानी है। तो ये मैंने इस तरह से रेडी करके रखा है। केक के हाइट के हिसाब से मैंने इस कंटेनर को कट किया है। आपका केक अगर बड़ा है तो आप कंटेनर का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो ये हमें बाद के लेयर में लगेगा। सबसे पहले हम केक की आइसिंग एंड लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये केक जो है, ये मैं चॉकलेट मूस फ्लेवर में बना रही हूँ। तो चॉकलेट मूस के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसमें मैं डालूंगी अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ गनाश। गनाश को मैंने मेल्ट करके लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है, ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर की बन जाएगी। अब ये हमारे चॉकलेट फ्लेवर की व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है केक में लगाने के लिए। इसे मैं पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी और फिर केक के ऊपर इसे मैं इजीली स्प्रेड कर पाऊँगी। अब मैंने ये बोर्ड ले लिया है। बोर्ड के ऊपर स्पॉन्ज रखा है। स्पॉन्ज को मैंने सेंटर में नहीं रखा है, सेंटर से थोड़ा साइड में फिल करके रखा है। अब हम जैसे रेगुलरली केक को सोक करके क्रीम लगाते हैं, वही पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ये हमारा केक हाफ कंप्लीट हुआ है। अभी हमें हाफ और करना है।
अब जो पोर्शन है यहाँ से हम इस कंटेनर को इंसर्ट करेंगे। तो ये कंटेनर जब इंसर्ट होगा तो इतना पोर्शन हमें केक का कट करना है, तो हमारे पास जो बचे हुए स्पॉन्ज है उनको हम इस साइज़ के हिसाब से साइड में कट कर लेंगे। अब ये जैसे स्पॉन्ज है इसके एक साइड पे मैं कंटेनर रखूँगी एंड जो कंटेनर के साइड्स है उसके साइज़ के हिसाब से स्पॉन्ज को कट कर लेंगे। तो जब हम कंटेनर प्लेस करेंगे तो ये स्पॉन्ज इसके साइड में आ जाएगा। ये सेम प्रोसेस हम बाकी हमारे पास और दो लेयर्स बचे हैं उनके साथ भी कर लेंगे। सो ये हमारे बैरल के हिसाब से साइज परफेक्ट हो चुका है। अब हम इस लेयर को भी सोक करेंगे एंड क्रीम अप्लाई करेंगे। अटैचमेंट आपको ध्यान रखनी है कि ये सेंटर में अलाइन करना है। अब इस कंटेनर के लेवल तक हम क्रीम फिल कर लेंगे। तो ये हमारे केक का क्रम कोटिंग हुआ है। एक 10-15 मिनट्स के लिए केक को हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, देन हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। फाइनल डेकोरेशन के लिए क्रीम में मैंने ब्राउन जेल कलर ऐड कर दिया है। अब इस क्रीम को मैं पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी और फिर केक को हम फाइनल कवर कर लेंगे। केक को 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, अब हम इसे फाइनल डेकोरेट कर लेंगे। फाइनल डेकोरेशन के टाइम पे ये बीच का पोर्शन है यहाँ पे हम क्रीम थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें से बैरल शेप बनाना है। अब इस क्रीम को शेप देने के लिए हम इस तरीके का सॉफ्ट स्क्रैपर यूज़ करेंगे। टूथपिक के हेल्प से हम बैरल के ऊपर वुडन लॉक्स की मार्किंग बना लेंगे। अब ये मैंने वुडन लोफ के लाइंस दे दिए हैं, अब इसमें वुडन टेक्सचर देंगे। टेक्सचर को थोड़ा डेप्थ देने के लिए इस तरीके का सिलिकॉन ब्रश यूज़ करेंगे। इसे हम जेल कलर में डिप करेंगे, सिर्फ जो आगे के ब्रिसल्स है इनको हम जेल कलर में डिप करेंगे एंड इस तरह से लाइंस देंगे। एकदम लाइट लाइंस देनी है, कलर में हल्का सा डिप करना है एंड लाइंस देते जाना है।
कारण को फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने इस तरीके की फोंडेंट की स्ट्रिप कट कर ली है। और इसे हम बॉटम पे प्लेस कर लेंगे। अब ये जो टॉप पोर्शन है इसे भी हम कवर कर लेंगे। तो मैं फिलहाल इसको लेवलिंग के लिए क्रीम लगा के कवर करूंगी, फिर इस पे हम फाइनल फोंडेंट रैप कर लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसे हमें कवर करना है। तो कवर करने से पहले हमें अंदर लिक्विड फिल कर लेना है। आप अपने चॉइस का कोई भी अल्कोहल या जूस फिल कर सकते हो। अब इसको कवर करने के लिए मैं इस तरीके की फूड सेफ्टी वाली फॉइल यूज करूंगी, क्लिंग रैप जिसे बोलते हैं, फूड रैप। एंड अगर इस तरीके से आप क्लिंग रैप या टूथपिक्स या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ केक में लगाते हो तो आपको डिलीवरी के टाइम पे क्लाइंट को बताना है कि इस तरीके के प्रोडक्ट केक में यूज़ हुए हैं। केक कट करते टाइम और सर्व करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना। टॉप पोर्शन भी क्रीम से कवर कर लिया है। नाउ बैरल्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग वेरिएशन की होती है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन या स्पेसिफिक डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये मैंने टॉप पोर्शन भी क्रीम से फिल कर लिया है। अब ये टॉप पोर्शन को भी हम सेम वे स्ट्रोक्स दे के वुड वाला इफेक्ट दे देंगे। अभी जो टॉप बॉर्डर है इसे भी हम फॉन्डेंट लगा के सील कर लेंगे। बट एज ये व्हिपिंग क्रीम है तो फॉन्डेंट यहाँ से स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फॉन्डेंट स्लिप ना हो इसके लिए हम टूथपिक का हेल्प लेंगे एंड जो बॉर्डर्स है ब्लैक कलर की उन्हें अटैच करते जाएंगे। का सपोर्ट देने के लिए टूथपिक के ऊपर ही मैंने एक छोटे छोटे फोंडेंट के बॉल्स स्टिक कर लिए हैं। फोंडेंट के बॉल्स स्टिक करने के बाद इस तरह से हम टूथपिक को इंसर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो फोंडेंट हमने यहाँ ऊपर के लाइन पे चिपकाया है वो सिक्योर हो जाएगा, नीचे स्लिप नहीं होगा। वरना यूजुअली व्हिपिंग क्रीम केक के साथ होता है, जब आप उसे फोंडेंट लगाते हो तो फोंडेंट स्लिप कर जाता है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट देगा। अब ये इस तरीके के डॉट्स यहाँ पे डिज़ाइन दिखाना है, तो यहाँ टूथपिक इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीछे हमने बॉटल रखी हुई है। तो यहाँ सिर्फ मैं एक फोंडेंट बॉल ले रही हूँ और उसे सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के हिसाब से यहाँ स्टिक कर लेंगे, ताकि जो लुक है पूरे केक पे सेम आएगा। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ करूँगी, लेकिन यहाँ टूथपिक इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फोंडेंट स्लिप नहीं होगा नीचे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, जिससे हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका अपडेट आपके पास सबसे पहले आएगा।